प्रिय छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यावसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम इकाई 2 में अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे थे कंपनी के निर्माण के अंतर्गत, अर्थात कंपनी का निर्माण किस प्रकार से होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पूर्व में हम देख चुके हैं यहाँ पर जो कंपनी की स्थापना के जो चरण हैं कि कंपनी का प्रवर्तन किस प्रकार से होता है, अर्थात कंपनी का जन्म किस प्रकार से होता है, प्रवर्तन संबंधी जो भी कार्य है वो किस प्रकार से किए जाते हैं कंपनी की स्थापना से संबंधित। दूसरा बिंदु हमने देखा था कंपनी का समामेलन, अर्थात कंपनी का जो पंजीयन रजिस्ट्रार के समक्ष होता है, कंपनी का समामेलन जो होता है वो किन स्थितियों में किस प्रकार से होता है इसको हमने जाना था। अर्थात यहाँ पर जब कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए जाता है तो कंपनी जो है व्यवसाय का प्रारंभ यहाँ पर करती है। अब यहाँ पर कंपनी द्वारा जब व्यवसाय का प्रारंभ किया जाता तो इस संबंध में उसको कुछ मुख्य प्रलेख तैयार करने होते हैं जो कि पूर्व में समामेलन के समय उसके द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। इन प्रमुख प्रलेखों में हमने देखा था पार्षद सीमा नियम और पार्षद सीमा अंतर नियम। तीसरा बिंदु इसमें जिसके बारे में हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो है प्रविवरण, कि प्रविवरण क्या कहलाता है, प्रविवरण की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, प्रविवरण की विषय वस्तु क्या क्या है, उसकी विषय सामग्री अर्थात प्रविवरण में हम किन किन बिंदुओं को शामिल करते हैं, फिर ये स्थानापन्न प्रविवरण क्या कहलाता है, इसका आशय क्या है, इस स्थानापन्न प्रविवरण की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे, साथ ही भ्रामक एवं कपटपूर्ण प्रविवरण पत्र क्या कहलाता है इसके बारे में भी हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रविवरण क्या कहलाता है। तो प्रविवरण एक प्रकार का ऐसा प्रपत्र, सूचना या दस्तावेज है जब एक सार्वजनिक कंपनी आम जनता के बीच में अपनी कंपनी की आवश्यक पूंजी को प्राप्त करने के लिए जो दस्तावेज या परिपत्र या सूचना जारी करता है वो प्रविवरण कहलाता है। ये प्रविवरण जो होता है इसके माध्यम से कंपनी के अस्तित्व के प्रति, अर्थात कंपनी की जो स्थायित्व है, कंपनी का जो अस्तित्व है उसके प्रति लोगों को ध्यान आकर्षित करने का एक प्रमुख साधन है। अर्थात ये प्रविवरण पत्र के माध्यम से लोग कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस परिपत्र में जो है कंपनी के नाम पते से लेकर अंश पूंजी तक की समस्त प्रकार की जानकारियों का उल्लेख होता है। तो यहाँ पर जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रविवरण की जो परिभाषा दी गई है उसको हम देखते क्या है कि प्रविवरण से आशय ऐसे दस्तावेज, ऐसी सूचना, ऐसा परिपत्र, विज्ञापन अथवा ऐसा निमंत्रण पत्र से है जिसके द्वारा कोई कंपनी जन निक्षेप मतलब यहाँ पर आम जनता से जमा पूंजी प्राप्त करने के लिए अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। तो इसका आशय यहाँ पर यह है कि आम जनता के बीच में कंपनी अपनी आवश्यक पूंजी को प्राप्त करने के लिए अंश या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को, आम जनता को विभिन्न दस्तावेज, सूचना या विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र देती है जिससे जनता उस कंपनी के अंश या ऋण पत्रों को खरीदे। ये परिभाषा कहती है भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कि प्रविवरण क्या है। कुछ विशेषताएं तीन प्रकार की यहाँ पर मुख्य रूप से हैं कि ये जिसके आधार पर हम विशेष तौर पर जानेंगे कि प्रविवरण क्या है। तो प्रविवरण एक प्रलेख है, प्रलेख से आशय यहाँ पर कि प्रविवरण जो होता है वो लिखित रूप में होता है, सूचना रूप में होता है, परिपत्र या समाचार पत्र में विज्ञापन के रूप में इसका प्रकाशन किया जाता है जिसमें कंपनी से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियाँ होती हैं और इन जानकारियों को पढ़कर जो है आम जनता कंपनी के बारे में, कंपनी के इतिहास के बारे में जानती समझती है। तो प्रविवरण की जो पहली विशेषता है, प्रविवरण क्या है, एक प्रकार का प्रलेख है। दूसरा है ये प्रविवरण
जो जारी किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? जनता के लिए। तो ये प्रविवरण जो है कैसा होना चाहिए? प्रिंटेड छपा हुआ होना चाहिए, साथ ही इसमें जो भी बिंदु दिए हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, और इसी प्रविवरण में एक निर्धारित आवेदन पत्र भी होता है, और उस आवेदन पत्र को जो है विनियोक्ता भरकर जो है कंपनी के कार्यालय में जमा करते हैं। तो दूसरी विशेषता इसकी है कि प्रविवरण जो जारी किया जाता है वो किया जाता है जनता हेतु। तीसरी इसकी विशेषता है, प्रविवरण जो है वो क्या है? एक प्रकार का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव जो है किसके लिए है? आम जनता के लिए। किस लिए है? कि प्रविवरण के माध्यम से अंश व ऋण पत्र खरीदने का प्रस्ताव आम जनता अर्थात आवेदकों द्वारा किया जाता है। तो ये अंश व ऋण पत्र खरीदने के लिए आम जनता को क्या है? कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला क्या है? प्रस्ताव है। अर्थात प्रस्ताव रूपी प्रविवरण के माध्यम से आम जनता जो है किसी कंपनी के अंश या ऋण पत्रों को क्रय करती है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रविवरण क्या कहलाता है और प्रविवरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो तीन विशेषताएं बताई हमने यहाँ, एक प्रलेख, दूसरा जनता हेतु और तीसरा प्रस्ताव हेतु आमंत्रण पत्र कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रविवरण के उद्देश्य अथवा महत्व क्या है, ये प्रविवरण क्यों जारी किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे नंबर पहला है कंपनी के जन्म, उसकी वर्तमान स्थिति व भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए। तो जैसा अभी हमने पहला देखा कि इस प्रविवरण के माध्यम से हम किसी कंपनी के विस्तार के बारे में, कंपनी के इतिहास के बारे में, कंपनी के जन्म के बारे में जानते हैं, साथ ही उस कंपनी की वर्तमान में स्थिति किस प्रकार से है, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, उसकी लाभार्जन क्षमता किस प्रकार की है, साथ ही भविष्य में कंपनी की संभावनाओं कैसी हैं, अर्थात कंपनी भविष्य में जो भी उत्पादन करेगी, जो लाभ कमाने की उसकी क्षमता है, उसकी संभावना किस प्रकार की है। तो यहाँ पहला जो उद्देश्य है कि कंपनी के जन्म के बारे में, उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में हमें जानकारी प्रविवरण के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरी जो इसका उद्देश्य है वो है कंपनी के अंशों में निवेश के लिए आम जनता को प्रेरित करना व उनका विश्वास प्राप्त करना। तो यहाँ जैसा कि अभी बताया हमने कि यहाँ पर कंपनी जो है प्रविवरण के माध्यम से अपने कंपनी के इतिहास, कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में प्रॉपरली पूरी पूरी जानकारी जो अंश खरीदने वाले आम जनता है उनको जानकारी प्रदान करती है प्रविवरण के माध्यम से। तो यहाँ आम जनता जो है प्रविवरण को पढ़कर प्रविवरण में दिए गए नियमों के शर्तों के आधार पर अंशों में निवेश के लिए जनता जो है क्या होती है? आकर्षित होती है और कंपनी के प्रति उसका विश्वास बढ़ता है। तो दूसरी स्थिति यहाँ पर यह है, कंपनी के अंशों में निवेश के लिए आम जनता को प्रेरित करना और उनका विश्वास प्राप्त करना। तीसरी स्थिति, उद्देश्य जो इसका है, कंपनी तथा निदेशकों व कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना। अब यहाँ पर तीसरा जो उसका उद्देश्य है, प्रविवरण के माध्यम से ये जानकारी निवेशकों को बताई जाती है कि कंपनी किस प्रकार की है, उसका इतिहास किस प्रकार का है, कंपनी के जो संचालक गण हैं, निदेशक जो हैं, वो कितनी मात्रा में किस प्रकार के हैं, साथ ही कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता कितनी है, उसका टर्नओवर कितना है, इस सब के बारे में प्रविवरण के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही प्रविवरण में ये भी दिया होता है कि अंश पत्र एवं ऋण पत्र जारी करने की शर्तों का रिकॉर्ड रखना। अब यहाँ पर जो अंश पत्र जारी किए जाएंगे, जो ऋण पत्र जारी किए जाएंगे, वो कितने कितने मूल्य के अंकित मूल्य वाले हैं, साथ ही किस किस प्रकार के अंश पत्र हैं, किस प्रकार के ऋण पत्र हैं, उनको किन शर्तों पर जारी किया जा रहा है, इन सब बातों का प्रविवरण में उल्लेख होता है। फिर अंत में प्रविवरण में उल्लेख की गई बातों के बारे में निदेशकों को उत्तरदायी बनाना।
तो अंतिम स्थिति जो है कि प्रविवरण में जो भी कंपनी के बारे में, कंपनी के जन्म, उसकी वर्तमान स्थिति से लेकर अंश पत्र एवं ऋण पत्र को जारी करने की शर्तें, यहां तक संबंध में जो भी बिंदुओं का उल्लेख निदेशकों के द्वारा किया गया है, उसके लिए निदेशकों को क्या बनाना? उत्तरदायी बनाना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रविवरण में जो भी जानकारी प्रदान की गई है, उस जानकारी को किसके द्वारा प्रदान की गई? निदेशकों के द्वारा। और ये जानकारी सही है, इसके लिए निदेशकों को उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये हम यहाँ पर हमने देखा कि प्रविवरण के जो उद्देश्य अथवा महत्व कौन कौन से हैं प्रविवरण के माध्यम से। अब यहां हम देखते हैं कि प्रविवरण की विषय सामग्री कौन कौन सी है। तो प्रविवरण जो अभिलेख है, जैसा कि हमने बताया कि निवेशकर्ता कंपनी के बारे में जान सकें और सभी सूचनाएं इसमें होना चाहिए। सारी जानकारी जब निवेशकर्ता को प्राप्त होगी कंपनी के बारे में, तभी वो कंपनी में पूंजी लगाने के लिए क्या होगा? इच्छुक होगा। तो अब यहां पर ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जिनके बारे में पढ़कर जो है निवेशकर्ता कंपनी के बारे में जान सके, उन बिंदुओं को यहां पर हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हो गया कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय, नाम व पता, साथ ही कंपनी के सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षक, वैधानिक सलाहकार, बैंकर्स, ट्रस्टी, अभिगोपक और अन्य सभी व्यक्ति जिनका इस आशय हेतु संबंध हो। तो यहां पर सबसे पहली जो जानकारी है प्रविवरण में क्या होना चाहिए? कंपनी का रजिस्टर्ड पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है, उसका नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। फिर जो कंपनी के सचिव हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, अंकेक्षक कौन है, वैधानिक सलाहकार कौन है, बैंकर्स कौन है, ट्रस्टी कौन है, अभिगोपक कौन है, इन सबके बारे में उसमें पूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा बिंदु आता है निर्गमन की प्रारंभ व बंद होने की तिथियाँ, आवंटन पत्रों के जारी होने की घोषणा व रिफंड की अनुमानित समयावधि। अब निर्गमन की प्रारंभ व बंद होने की तिथियों से तात्पर्य है जब जिस तिथि से अंश और ऋण पत्रों को आम जनता के खरीदने के लिए प्रारंभ किया गया और किस तिथि तक उन्हें लिया जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर अंश और ऋण पत्रों को खरीदने की तिथि से लेकर खरीदने की अंतिम तिथि तक की जानकारी, साथ ही जब हम जो निर्धारित मात्रा में या कभी निर्धारित मात्रा से ज़्यादा हमारे पास अंश या ऋण पत्र आ जाते हैं तो उनमें से हमें आवंटन करना होता है। सभी आवेदनों पर हम अंश और ऋण पत्रों को आवंटित नहीं कर सकते। तो जिन जिन को हमने आवंटन किया है, उन आवंटन पत्रों के जारी होने की घोषणा व रिफंड की अनुमानित समयावधि का उल्लेख इसमें किया जाता है। अर्थात जिन अंशधारी या ऋण पत्रधारियों को अंश पत्र या ऋण पत्र आवंटित नहीं किए गए, उनकी आवेदन राशि को कब वापस किया जाएगा, इसकी अनुमानित समयावधि दी जाती। तीसरी स्थिति है कंपनी के संचालक मंडल द्वारा एक विवरण जिसमें बैंक खाता का विवरण हो, जिसमें अंशों के निर्गमन पर प्राप्त राशि को हस्तांतरित किया जाए। अब यहाँ पर जो संचालक मंडलों के द्वारा जिस बैंक में अंशों के जारी होने पर जो अंशों के आवेदन की प्राप्त राशि आएगी, वो किस खाते में जाएगी, उस बैंक खाते का विवरण देना होता है। फिर बैंक के अंशों के अभिगोपन व विस्तृत विवरण व सूचना, अंशों का जो अभिगोपन जिन के द्वारा किया जाएगा उसका विस्तृत विवरण और उसकी सूचना जो है समय पर संबंध में प्रविवरण में उल्लेख की जाती है। फिर संचालकों, अंकेक्षकों, बैंकर्स की निर्गमन के संबंध में सहमति व अन्य विशेषज्ञों की सहमति। अब यहाँ पर जो कंपनी के संचालक हैं, जो कंपनी के ऑडिटर हैं, अंकेक्षक हैं, जो बैंकर्स हैं, जो पूंजी लगाने वाले हैं, उनके निर्गमन के संबंध में सहमति व अन्य विशेषज्ञों की सहमति भी इस प्रविवरण पत्र में होती है। इसके बाद हम देखेंगे निर्गमन का अधिकार व इस संबंध में जारी प्रस्ताव, अर्थात अंश पत्र और ऋण पत्रों को जारी करने का अधिकार किसके पास होगा, इस संबंध में जो प्रस्ताव किस प्रकार से दिया जाएगा, इसका उल्लेख होता है। फिर अंशों के आवंटन व निर्गमन की प्रक्रिया व समय, जो अंश पत्र या ऋण पत्र आवेदन पत्र के माध्यम से कंपनी को प्राप्त हुए हैं, उन अंश पत्र या ऋण पत्रों का जो आवंटन है, अर्थात आवंटन से तात्पर्य कि उनको स्वीकार करना कंपनी के द्वारा
कि उन्हें अंशधारी या ऋण पत्रधारी कंपनी के बनाना। तो आवंटन जिन जिन को किया जाएगा व निर्गमन की प्रक्रिया व समय, उन्हें कितने समय में निर्गमित कर दिए जाएंगे आवंटन पत्र और कितना उनका समय लगेगा। फिर प्रस्तावित प्रारूप में कंपनी का पूंजी ढांचा, जो कंपनी का जो प्रारूप है उसमें कंपनी का जो पूंजी का ढांचा है, कितनी मात्रा में किस किस प्रकार की पूंजी लगी हुई है, उसका उल्लेख पूंजी ढांचा के अंतर्गत किया जाता है। फिर सार्वजनिक निर्गमन का मुख्य उद्देश्य, जो अंशपत्र ऋण पत्र का जो सार्वजनिक निर्गमन किया जा रहा है उसका उद्देश्य प्रमुख तौर पर क्या है, इसका उल्लेख किया जाता है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य व वर्तमान व्यवसाय व स्थान, कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य, कंपनी किस प्रकार का उत्पादन कर रही है, साथ ही उसका जो वर्तमान में व्यवसाय किस प्रकार का है, स्थान कहाँ पर है, इसका उल्लेख किया जाता है। फिर सार्वजनिक निर्गमन के मुख्य उद्देश्य व वर्तमान निर्गमन की शर्तें, सार्वजनिक तौर पर जो अंशपत्र ऋण पत्रों को निर्गमित किया गया है उसके मुख्य उद्देश्य किन उद्देश्यों से किया गया है, साथ ही वर्तमान में जो निर्गमन किया गया है वो किन शर्तों के आधार पर किया जा रहा है, उसका उल्लेख किया जाता है। फिर न्यूनतम अभिदान की राशि, प्रीमियम की राशि, रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन। न्यूनतम अभिदान राशि अर्थात कंपनी की जो पूंजी है उस पूंजी को, जितनी पूंजी को अंश मात्रा में यहाँ पर जो है निर्गमन किया गया है उसका कुछ हिस्सा जो है वो कंपनी को प्राप्त होना, वो कहलाता है न्यूनतम अभिदान। मतलब निर्गमित राशि का एक हिस्सा कम से कम जितना प्राप्त होना चाहिए वो क्या है, न्यूनतम अभिदान। फिर प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की राशि से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों को बाजार में निर्गमित किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए यदि 100 रुपये का एक अंश है और यदि उसको बाजार में 105 रुपये में निर्गमित किया जाता है तो यह 5 रुपये क्या है, प्रीमियम की राशि। इस प्रकार से प्रीमियम पर निर्गमित अंश से तात्पर्य यहाँ पर कि अंश पत्र के या ऋण पत्र के अंकित मूल्य से जब अधिक मूल्य पर अंशों को बाजार में निर्गमित किया जाता है तो प्रीमियम पर निर्गमित अंश पत्र कहलाते हैं। फिर रोकड़ के अतिरिक्त अंशों का निर्गमन, ये स्थिति। और अगला बिंदु है संचालकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक, इसमें कौन कौन डायरेक्टर ने कितने, उनको नियुक्ति किस प्रकार की है, उनको पारिश्रमिक किस प्रकार का दिया जाता है, ये सब जानकारी होती है। और अंत में कंपनी के अंकेक्षकों की रिपोर्ट, ये कब कब किस प्रकार से प्रकाशित की जाएगी। तो ये निम्नांकित बिंदु जो हैं ये आपके, अभी हमने यहाँ पर जाना कि प्रविवरण क्या कहलाता है। तो प्रविवरण जो अभी बताया कि वह सूचना, वह दस्तावेज, वह परिपत्र या वो विज्ञापन है जिसके माध्यम से निवेशकर्ता कंपनी के इतिहास के बारे में, कंपनी के पूंजी के बारे में, कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। अब दूसरा जो है स्थानापन्न प्रविवरण पत्र, ये क्या कहलाता है, यह हम जानेंगे कि जब कंपनी अपने प्रविवरण प्रलेख के अभाव में स्थानापन्न प्रविवरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करती है, एक सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों की बिक्री निजी आधार पर भी कर सकती है, ऐसी दशा में उसे जनता के बीच प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वो ऐसा करती है तो कंपनी को रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण के स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जारी करना होता है। तो यहाँ जब हमने प्रविवरण नहीं तैयार किया तो उसके अभाव में स्थानापन्न जो प्रविवरण है वो रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो चूंकि सार्वजनिक कंपनी जो है अपने अंशों की बिक्री अपने निजी स्रोत के आधार पर व्यक्तिगत रूप से भी कर सकती है, अब यहाँ पर उसको जनता के बीच प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वो ऐसा करती है तो इस स्थिति में प्रविवरण के स्थान पर उसे स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जारी करना होता है। जब तक ये स्थानापन्न प्रविवरण पत्र रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं कराया जाता तब तक कंपनी अपने अंश या ऋण पत्रों को जारी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर
जब तक स्थानापन्न प्रविवरण पत्र जो है रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं करता, तब तक एक कंपनी अपने अंश पत्र ऋण पत्र को बाजार में जारी नहीं कर पाती। ये कंपनी अधिनियम 1956 की तालिका 3 के अनुसार तैयार किया जाता। तो यहाँ पर हम जो कुछ बिंदु देखेंगे कि स्थानापन्न प्रविवरण में कौन कौन सी बातों का उल्लेख होता है, तो जैसे हो गए नंबर एक, सबसे पहले अंश पूंजी संबंधी सूचना। अंश पूंजी संबंधी सूचना से तात्पर्य यहाँ पर है कि कंपनी की जो अंश पूंजी है वो कितने प्रकार के अंशों में, कितने भागों में बटी हुई है। सामान्य प्रकार से दो प्रकार से अंश पत्र होते हैं, सामान्य अंश और पूर्वाधिकारी अंश, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे जानेंगे। तो यहाँ पर अंश पूंजी संबंधी सूचना कंपनी को स्थानापन्न प्रविवरण में प्रदान करनी होती है। दूसरा, प्रारंभिक व्यय की राशि। प्रारंभिक व्यय की राशि से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कंपनी के स्थापना के संबंध में जो भी व्यय किए गए हैं प्रारंभ में उनका राशि। फिर क्रय की गई संपत्तियों का प्रतिफल, कितनी मात्रा में जो है कंपनी के द्वारा संपत्तियाँ क्रय की गई हैं। फिर संचालकों, प्रबंधकों आदि से संबंधित सूचना व उनका प्रतिफल। यहाँ पर जो संचालकों के नाम हैं, जो प्रबंधक हैं, उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं और उनको पारिश्रमिक के हिसाब से कितनी मात्रा में दिया जा रहा है प्रतिफल पारिश्रमिक, यहाँ पर इस सब का उल्लेख किया जाता है। फिर अभिगोपन संबंधी सूचना, कंपनी के जो अंश पत्र हैं जो उनके संबंध में जो भी जानकारी, अभिगोपन संबंधी सूचना, इसका उल्लेख इसमें होता है। फिर अंकेक्षकों के नाम व पते, कंपनी का जो हिसाब किताब ऑडिट करेंगे अंकेक्षक कौन होंगे उनके नाम व पते। फिर कंपनी की संपत्ति में संचालकों व अन्य पक्षों के हितों का वर्णन, अर्थात कंपनी की जो संपत्ति है उसमें संचालक और जो अन्य पक्ष हैं जुड़े हुए उनका हित या हिस्सा संपत्ति में किस हद तक होगा, इस सब का उल्लेख इसमें किया जाता है। तो ये स्थानापन्न प्रविवरण पत्र है जो कि प्रविवरण के अभाव में लागू किया जाता है और इस स्थानापन्न को, प्रविवरण पत्र को रजिस्ट्रार के पास तब जब तक जमा नहीं कराया जाएगा तब तक कंपनी अपने अंश या ऋण पत्र को जारी नहीं कर सकती। और ये ध्यान दें यहाँ पर कि कंपनी अधिनियम 1956 की तालिका 3 के अनुसार तैयार किया जाता है, जिनमें ये हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को के बारे में उसमें उल्लेख किया जाता है। तीसरा इसमें है भ्रामक एवं कपटपूर्ण प्रविवरण। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भ्रामक या कपटपूर्ण प्रविवरण क्या हो सकता है। तो जैसा हमने देखा था, प्रविवरण वास्तव में क्या है, कंपनी के लिए एक आईने के समान है, कंपनी की जो वास्तविक स्थिति है उसको प्रदर्शित करता है यहाँ पर प्रविवरण। प्रविवरण बताता है कि कंपनी की वास्तविक स्थिति किस प्रकार की। तो यदि प्रविवरण में गलत जानकारी या गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना दी जाएगी तो वो आम जनता के लिए क्या होगी, अहितकारी होगी। और ये ऐसी स्थितियां जो हैं कभी कभी कंपनी के संचालकों द्वारा भ्रमित करने के लिए या उनके साथ कपटपूर्ण व्यवहार करने के लिए कपटपूर्ण प्रविवरण जारी किया जाता है। तो इसको हम देखें कि एक सार्वजनिक कंपनी का प्रविवरण विनियोक्ताओं के अंश व ऋण पत्रों का क्रय उसके प्रविवरण में दिए गए तथ्यों पर विश्वास करके ही करता है। तो जो विनियोक्ता है कंपनी में पूंजी लगाने वाला, विनियोक्ता किस आधार पर कंपनी में पूंजी लगाता है, अंश और ऋण पत्रों के माध्यम से, प्रविवरण के आधार पर। तो प्रविवरण में जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों पर विश्वास करके ही विनियोक्ता जो है अंश व ऋण पत्रों को कंपनी के लिए से खरीदता है, क्योंकि ये प्रविवरण जो है कंपनी व अंशधारियों के मध्य होने वाले ठहराव का अधिकार होता है। अर्थात ये प्रविवरण के माध्यम से ही कंपनी और निवेशकर्ता अंशधारियों के बीच क्या है, एक प्रकार का समझौता या ठहराव का आधार होता है। अब देखिए यहाँ पर कि यदि प्रविवरण में दिए गए तथ्य सत्य हों व उसमें किसी बात को छिपाया ना जाए तो क्या होगा, यहाँ पर विनियोक्ताकर्ताओं के लिए ये बात उचित होगी। किंतु यदि प्रविवरण में असत्य या छल कपटपूर्ण गलत तथ्य दिए गए और विनियोक्ता उन पर विश्वास करके अंश क्रय कर लेता है तो इस संबंध में
नुकसान होता है विनियोक्ताओं का, और जब विनियोक्ताओं का नुकसान होता है तो विनियोक्ता जो है वो भ्रामक एवं कपटपूर्ण प्रविवरण के लिए कंपनी के ऊपर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। तो इसमें कंपनी के ऊपर जब कानूनी कार्यवाही कर सकता है तो संबंध में वो विनियोक्ता क्या कर सकता है, भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत विनियोक्ता को अनुबंध तोड़ने का अधिकार है, अर्थात प्रविवरण के माध्यम से निवेशकर्ता ने विनियोक्ताकर्ता ने कंपनी में जो अपनी पूंजी लगाई थी उस पूंजी के अनुबंध को विनियोक्ता जो है वो क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है। फिर साथ ही विनियोक्ता को विनियोजित पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार है। छल कपटपूर्ण प्रविवरण के प्रभाव से प्रभावित होकर जब विनियोक्ता विनियोगकर्ता ने अपनी पूंजी सार्वजनिक कंपनी में लगा दी तब ऐसी स्थिति में वो विनियोजित पूंजी को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है, साथ ही जो उसका नुकसान हुआ, जो उसकी क्षतिपूर्ति हुई उसको भी प्राप्त करने का उसको अधिकार है। फिर प्रविवरण में जिसके द्वारा भ्रामक व असत्य प्रविवरण जारी किया गया है उस व्यक्ति को सजा व जुर्माना दिलाना। तो यहाँ पर जिसके द्वारा भ्रामक या असत्य प्रविवरण जारी किया गया उसके खिलाफ कार्यवाही करवाना। तो यहाँ पर आवश्यक है निवेशकर्ता विनियोगकर्ता के लिए बहुत ही आवश्यक है कि जब भी वो किसी कंपनी में अपनी पूंजी का निवेश करना चाहता है तो कंपनी के प्रविवरण में दी गई जानकारी, जैसे व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार की है, व्यवसाय का भविष्य क्या है, व्यवसाय का इतिहास किस प्रकार का है, सरकारी नीति एवं दृष्टिकोण किस प्रकार की है उस कंपनी के प्रति, फिर कंपनी की पूंजी संबंधी योजना किस प्रकार की है इसको देखना, प्रबंध की सुदृढ़ता, कंपनी के जो प्रबंध है वो किस प्रकार का, उसकी सुदृढ़ता किस प्रकार की है, कंपनी का इतिहास किस कैसा है, साथ ही कंपनी के जो प्रवर्तक हैं वो किस प्रकार के हैं और उन प्रवर्तकों द्वारा जो अनुबंध किए गए हैं, साथ ही बैंकर्स हैं और जो प्रविवरण की शर्तें हैं उन सबके बारे में विशेष जांच कर लेना चाहिए। अर्थात विनियोगकर्ता को क्या चाहिए कि हमेशा जब भी वो किसी कंपनी के में पूंजी का निवेश करना उचित समझता है तब उस स्थिति के पूर्व सबसे पहले कंपनी के प्रविवरण का वो बारीकी से जांच करे, उसका अध्ययन करे और संतुष्ट होने के पश्चात ही कंपनी में पूंजी का निवेश करे। तो ये कहलाता है भ्रामक अथवा कपटपूर्ण प्रविवरण। यहाँ कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न है। नंबर एक है प्रविवरण से आशय व उसके उद्देश्य लिखिए। नंबर दो प्रविवरण की विषय सामग्री को समझाइए। तीसरा स्थानापन्न प्रविवरण से आशय क्या है उसकी विषय सामग्री के बारे में समझाइए। और चौथा है भ्रामक व कपटपूर्ण प्रविवरण से क्या आशय है लिखिए।